राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। चंदा और चकोर की जोड़ी करती धूम धमाका, मजे मजे में पढ़ ले भाई और लगाए ठहाका। एक एक नी दो, एक दो, एक नी दो। जितने काम अक्षर जोड़ के जाने दुनिया बनती कैसा। एक दो, एक दुनी दो, एक दो, एक दुनी दो। एक से एक मिल जाते जो कोई काम नहीं मुश्किल, मेहनत करते पढ़ते पढ़ते पा जाएंगे मंजिल। अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करो। हमारे नए सितारों, हमारे इस प्रोग्राम को चमकाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है सर। बस तैयारी है, तैयारी है। तो आप हैं हमारे इस चलते फिरते शो के चलते फिरते प्रोग्राम को पेश करने वाले। तो सब कैसे करना है समझ गए? अच्छी तरह समझ गए सर। करना क्या है, आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठकर गांव गांव गली गली कूचे कूचे जाना है, वहाँ की जनता से उनके विचार पूछने हैं, उनकी समस्याएं पूछनी है, और फिर वहाँ के किसी प्रतिनिधि से उन समस्याओं का समाधान पूछना है। पर ये सब कैसे करना है? एक मिनट। ये तो ये इसकी शुरुआत होगी ऐसे। बात सर जी ये बताइए, हमारा ये प्रोग्राम कौन से टीवी चैनल के लिए है? हाँ। अरे मैं उन डायरेक्टर्स में से नहीं हूँ जो पहले चैनल से जाके बात करते हैं। मैं तो मेरे दिमाग में जैसे ही फटाफट नए रुसकों का प्रोग्राम आता है मैं बना के दे देता हूँ। फिर देखो टीवी वाले मेरे आगे पीछे पीछे आगे घूमते रहते हैं। सर ये प्रोग्राम मुझे दे दीजिए। सर दे दीजिए। फिर ये प्रोग्राम आप लोग बढ़िया बनाओगे, फिर देखना तुम सबका कल्याण हो जाएगा। नाम ही नाम, दाम ही दाम। क्यों नहीं? लेकिन सर जी इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम जनता जनार्दन की जय। चंदा और चकोर का कार्यक्रम है जनता जनार्दन की जय, और हमारे इन नव साक्षरों का कार्यक्रम है पढ़ना लिखना, और वो भी जेल में। कुछ अजीब तो लगता है, क्योंकि आमतौर पर जेल यानी कि कारागार का नाम आते ही चित्र उभरता है वो जगह का जहाँ जुर्म करने वालों को रखा जाता है। बड़ी बड़ी दीवारें और फाटक होते हैं और दिखती है सूनी पथराई आंखें। चलिए ये भ्रम तोड़ने के लिए हम आपको लिए चलते हैं बरेली के जिला कारागार में, जहाँ दिखेगा आपको कुछ और ही नजारा। ये वही ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर 1857 के योद्धा खान बहादुर खान को ब्रिटिश हुकूमत ने सूली पर लटका दिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इसी जेल की हवा खानी पड़ी थी। पर ये वाक्यात तब के थे जब हमारा देश गुलाम था। अब तो ये कारागार आजाद भारत मुल्क में है, जहाँ कैदियों को यूं ही सूली पर नहीं लटकाया जाता। पर ये क्या, कैदियों का सम्मान? जी हाँ, सम्मान ही हो रहा है। और जानते हैं ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे बदली जेल की आबोहवा? तो जनाब, बदलाव की लहर जेल की चार दीवारी में फैली है साक्षरता की मेहरबानी से। बिल्कुल अविश्वसनीय सा लगता है जब बैरकों से निकल कैदी पुस्तक लेकर केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जमीन पर बैठते हैं,
पुस्तकों के पन्ने उलटते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मगर क्यों? क्या कभी इन्होंने सोचा था कि जेल में सजा के साथ साथ पढ़ाई करने को मिलेगी? जेल में पढ़ाई वगैरह होगी, ये भविष्य में हमने कभी नहीं सोचा था कि जेल में पढ़ाई वगैरह होगी, लेकिन ये हमारे अधीक्षक महोदय और आपके साक्षरता अभियान के अंतर्गत ये सुविधा यहाँ पे दी गई, इससे हमारे बंदियों को बहुत खुशी है और बड़ा मन लगा के पढ़ते हैं। आज इनमें एक पढ़ने की ललक है, उत्साह है। लगता है इन्हें कि काश पहले से पढ़े लिखे होते तो शायद आज जेल में नहीं होते। पहले से पढ़े लिखे होते तो हो सकता है कि हम कारागार के अंदर नहीं आते, और अब तो यही लगता है कि यहाँ से निकलें, परिवार के अंदर सही सलामत रहें, इस जेल से जिंदगी कटे और सब लोगों में बहुत हंसी खुशी हम लोग रहें, कभी आंधा यहाँ ना आए। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सटीक बैठती है इन कैदियों पर। अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर आज ही अपनी एक अलग दुनिया बसाने में जुटे हैं, जहां पढ़ाई लिखाई हमेशा सम्मान दिलाती है और जो पढ़ लिख जाते हैं वो नाम कमाते हैं। हम लोग जनता जनार्दन की जय कार्यक्रम की तरफ से आए हैं। जनता जनार्दन की जय। जनता जनार्दन की जय। तो देखिए, जनता के सवाल, जनता की समस्याएं और जनता की आवाज हम सरकार तक पहुंचाने आए हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इस गांव की तरक्की हो, उन्नति हो और इस गांव का विकास हो। आपका फायदा, यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। जनता जनार्दन की जय। तो बहन जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बताइए कि इस गांव में आपको किसी किस्म की कोई, किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या है क्या? जी है, बिल्कुल है। समस्या है, क्यों नहीं है? कौन सी? पानी की समस्या है। पानी की समस्या? ओपो, पीने का पानी नहीं है इस गांव में। अरे नहीं बहन जी, हम उस पीने के पानी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इस पानी की बात कर रहे हैं। ये कीचड़ देखा आपने, कहाँ कहाँ फैल गया है। जी आना, आके देखो ना, देखो ना। अरे पता लगेगा। अरे बहन जी, इधर तो आइए जरा, ये देखिए कीचड़ में पाँव डालिए ना, फिर देखते क्या होता है। आओ देखते हैं। नहीं यार, रहने दे, नए जूते हैं, खराब हो जाएंगे। लेकिन हमको चलकर समस्या देखनी चाहिए ना। दिख रही है ना दूर से? बहन जी देखिए, मेरे घर के सामने इतना पानी जमा हो गया था कल जी, कि मेरा अपना बेटा जी, वो डूबते डूबते बच गया। हाँ, कैसे कैसे? किसने बचाया उसको? वो जो पड़ोस का सोनू है ना जी, वो तैरना जानता था। अच्छा। इसीलिए उसने उसको बचा दिया। लेकिन यहाँ पर आपने किसी जो यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं और प्रतिनिधि हैं, आपने उनसे कोई कंप्लेंट नहीं की? अरे की थी बाबूजी, की थी। वो जो बड़े सरकार है ना, वो आए थे दौरे पर, कह रहे थे कि समस्या तो बड़ी गंभीर है। उन्होंने ना वो जो होती ना फेल फाइल वो उसी में वो लिख के भेजा है उन्होंने शिकायत, हाँ, मिनिस्ट्री में, दिल्ली में, और बोला जब उनको पता लगेगा तो फिर आएंगे देखने वो दौरे पर। हाँ, समझ गए। हाँ तो भाई कैमरामैन साहब, आप एक काम कीजिए, आप ये सारे कीचड़ की फोटो उतारिए और इसका एक कार्यक्रम बनाकर हम लोग मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे और फिर इस गांव का उद्धार अपने आप होगा। बिल्कुल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बड़ी मिनिस्ट्री में ये दिखाकर हम आपके पास फिर से आएंगे आपके गांव का हाल देखने के लिए। जनता जनार्दन की जय। अरे आप लोग भी बोलिए, जनता जनार्दन की जय। जनता जनार्दन की जय। अच्छा चलो पैक अप, चलो भाई अगले गांव में। चंदा और चकोर एक गांव को छोड़ दूसरे गांव में चल दिए हैं। हम चलते हैं बगल के गांव बाबू राही में। यहां एक ज्योति केंद्र खुला है। दिन सवेरे फुर्सत मिलते ही महिलाएं आकर बैठ जाती हैं और अपना अखबार पढ़ती हैं, जिसमें होती है नवसाक्षरों की खबरें। कुछ फायदा मिलता है या बस यूं ही? हम पढ़ते हैं तो अपने बाल बच्चे को ठीक ढंग से रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और सुरक्षित से रखते हैं, बाल बच्चे परिवार को अच्छे ढंग से रखते हैं। और तीन किताबें पढ़ने के बाद उसके बाद हमको समय मिलता है, अपने यही किताब सब अखबार पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं।
जरा ठहरिए, अगर स्वयं सेवकों की चर्चा न की जाए तो कहानी अधूरी जान पड़ेगी। ये स्वयं सेवक गाँव-गाँव घूमकर अभियान के दौरान आई दिक्कतों को हल करते हैं और मुफ्त में शिक्षा दान भी देते हैं। हमको लगा कि हमारे समाज में निरक्षरता के कारण बहुत से कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिसको हम दूर कर सकते हैं कुछ को पढ़ा कर। इसीलिए हमको अपने समाज में कुछ बदलाव की स्थिति पैदा करने के लिए हम पढ़ाना शुरू किए। यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं, चारों तरफ अंधेरा है। रोशनी के नाम पर अक्षर रूपी दिए की टिमटिमाती रोशनी भर है, पर इन चेहरों को देखकर ऐसा लगता है अब भले देर है पर अंधेर नहीं। टिमटिमाती रोशनी ही सही, अंधेरे का सीना चीरने के लिए यही काफी है। क्यों? मक्खी मारी मक्खी। अभी तक नहीं आए वो? ना। कमाल है यार, और कितनी देर लगेगी नेताजी को आने में? 3 घंटे से तो बैठे हुए हम लोग, मक्खियां मारते। तो कभी कभी मक्खियां भी मारनी चाहिए ना। अगर मक्खियां नहीं मारेंगे तो मक्खियों की आबादी बढ़ते 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 हमारी देश की आबादी से भी आगे निकल जाएगी, और आबादी के मामले में हमारे देश को तो नंबर वन रहना ही है। पगले, शर्म नहीं आती? सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने में कोई गर्व और हंसी की बात नहीं है। अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। सुनिए सुनिए मैडम, मैडम बहन जी, बहन जी नमस्ते, नमस्ते। अभी तक नहीं आए वो, कितनी और देर लगेगी? बस आते ही होंगे, अपने क्षेत्र का दौरा करने जो गए हैं। अब आप तो जानते ही हैं, जनता के बीच टाइम तो लग ही जाता है ना। लेकिन हमने तो सुना है कि इलेक्शन के बाद आज तक किसी ने उनको देखा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, रोज दौरा करने जाते हैं, रोज यही तो कह के जाते, आ ही रहे होंगे। वो देखिए आ गए। चाय ठंडा कुछ लिया कि नहीं? नहीं जी नहीं, वो नहीं कुछ चाहिए। अरे रवा, चाय ठंडा कुछ लिया तो? देखो तो, शहर से टेलीविजन कंपनी के लोग आए हैं भाई हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। शुरू करें। पूछिए सर, क्या पूछेंगे? देखिए तनी थोड़ा सवाल बता देते तो हम जरा ठीक ठीक जवाब दे सकता हूँ। शुरू करें। लाइट्स ऑन। चलो स्टार्ट करूँ सर? जी जी। देखिए आप रुकिए सर, भैया लाइट वाइट बंद कीजिए। देखिए थोड़ा बता दे तो जरा हमारे लिए अच्छा होगा, पता तो चले कि आप क्या पूछेंगी। हाँ, देखिए वार कैसा है, उसका घाव कितना होगा, हमको पता चलना चाहिए ना। नेताजी ऐसा है कि इस कार्यक्रम का नाम है जनता जनार्दन की जय, इसमें हम जनता के सवाल पूछते हैं, इसलिए हम आपको सवाल पहले बता नहीं पाएंगे, आपको सवाल इंटरव्यू में ही पूछेंगे और आपको सही सही जवाब देना होगा। चाय ठंडा कुछ कुछ कचौड़ी पकौड़ी? अरे भाई लेके आओ। नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है, आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। हमारा पहला सवाल है कि गांव में इतनी कीचड़ की समस्या क्यों है? लो, ये समस्या तो गांव वालों ने अपने आप ही क्रिएट की हुई है। वो कैसे? अरे नल खुला छोड़ देते हैं घर का, आंगन ढो के घर का पानी बाहर फेंक देते हैं, इसमें हम क्या करें? लेकिन उस पानी के सही बहाव के लिए आपने पाइप्स क्यों नहीं लगवाए? पाइप्स नहीं लगवाए जी? अरे कौन कहता है कि हमने पाइप नहीं लगवाए, बहुत पाइप लगवाए हैं हमने। जाओ जरा तनी वो पाइप का फाइल तो लाओ उठा के। हाँ जल्दी लाओ, अभी शीघ्र। देखिए अभी मंगवाते हैं, आप बैठिए ना, तब तक फाइल आती है, आप चाय वाय कुछ लीजिए। नहीं नहीं चाय नहीं, पहले हमारे सवाल। अरे लीजिए ना, हम कहता हूँ। लाइए हमें पकड़ाइए, ये लीजिए फाइल। ये देखिए कैसे गाँव में पाइप बिछाए हैं हम, क्या बढ़िया डिजाइनिंग है। ये भी तो बढ़िया डिजाइन से कम नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना ताकि भविष्य में निरक्षरों की फौज तैयार न हो पाए। इसीलिए तो ध्यान दिया गया है बदायूं जिले के प्राथमिक विद्यालयों पर, जहां छोटे छोटे नौनिहालों को शिक्षा दी जाती है, क ख ग से लेकर 1 2 3 तक। वैसे स्कूलों में पढ़ाई तो पहले भी हुआ करती थी, मगर अब की पढ़ाई में मनोरंजन को खासा स्थान दिया गया है, यानी कि पढ़ाई को खेल के साथ सीधा जोड़ा गया है,
स्कूल में बच्चों को लाने के लिए 3-3 किलो गेहूं दिया गया ताकि इस बहाने बच्चे पढ़ने आ सकें। जो बच्चे इधर उधर आवारा घूमते थे वो सारे बच्चे अब साक्षरता की वजह से स्कूलों में आने लगे हैं और गांव वाले लोग भेजने लगे हैं, इसीलिए कि हमारे बच्चे साक्षर हो जाएंगे और आगे देश की तरक्की होगी गांव के द्वारा। आज नन्हे मुन्ने बच्चों का एक सपना है। अफसर, वकील, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चलो बच्चे तो पढ़ने लग गए, अब जरा शंभू भाई की ओर भी चलें। मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं ये, क्या ये भी पढ़े हैं केंद्र में जाकर? इसमें तो फिर फायदा भी है, अपना काम टाइम निकाल के उसको भी पढ़ते हैं। मगर जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की? कहीं चले जाओ, बाहर चले जाओ, कहीं भी करो, अपने बच्चों को ही पढ़ाएंगे। पढ़ने की जरूरत सिर्फ शंभू भाई को ही नहीं महसूस होती, गांव में रहने वाली महिलाओं को भी महसूस होती है। जब इन महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला तो इनका उत्साह देखते ही बनता था। और ये बात देखी जा सकती है साक्षरता केंद्रों पर, जहां पर पुरुषों की संख्या ना के बराबर है। जो हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चला है साक्षरता का, उससे सबसे अच्छा प्रभाव महिलाओं पर आया है और नई लड़कियों पर आया है। ये संकेत है आने वाले कल का, जब वक्त करवट लेगा और सुनाई देगी आवाज चारों ओर, पढ़ी लिखी लड़की घर की लक्ष्मी। हेलो, हाँ शर्मा जी, अच्छा, हाँ, हमारी बात हो गई थी, हाँ, कोई बात नहीं, अभी हमारा कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, अभी शाम को हम बात करते हैं। नेता जी, हाँ, लो, नहीं, हमें, हाँ जी, तो हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे। ये लो, अभी तक नमकीन तो ऐसे ही पड़ा है आपने। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए नेताजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप खाली हमारे सवालों के जवाब दीजिए जी। आप भी कैसी बातें करते हैं, हाँ? अरे खाने पीने से आपके इंटरव्यू का कहाँ संबंध? नहीं नहीं, ईश्वर रख दीजिए वहाँ, हमारे सवालों के जवाब। आप भी हमारी तरह है, जिस वक्त काम पर हो तो खाने पीने की बात बीच में आती ही नहीं। चलिए पूछिए पूछिए। अच्छा तो नेताजी, गाँव में ये जो सारे पाइप बिछे हैं वो कहाँ है, कहाँ बिछे हैं? हमको कहा पता, तो फिर गांव के कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए, उन्हीं ने बिछाए हैं। कॉन्ट्रैक्टर? कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर? क्या हुआ? कहा बुढ़वक्का बाप एक बात करते हैं, अरे इतने बड़े आदमी है उनको नहीं पहचानते हैं? नहीं, हाईवे से लेके स्कूल तक सारी जमीन उन्हीं की है। अरे इतना पैसा, इतना पैसा पर घमंड तनी नहीं, हमको भी बहुत प्यार करते हैं। बात पाइप्स की चल रही है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अरे कहाँ पहुँच गए भाई, हम तो वहीं के वहीं बैठे हैं, किले तक नहीं है, जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं, किले ठोक के पिछले 10 साल से। देखिए, आप सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब देंगे या नहीं? ओ भाई, सीधा सीधा जवाब तो दे रहे हैं, आप पूछिए हमसे क्या पूछना है, हम जवाब देंगे। हम ये पूछते हैं, ये पूछते हैं कि ये पाइप किसने बिछाए हैं? राइट, किसने बिछाए हैं? हमारे गांव का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बिछाए हैं। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने पाइप बिछा दिए, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? क्या अनाड़ी सवाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने बिछा दिए इस बात का सबूत? अरे भाई, गांव में पाइपलाइन की जरूरत थी, हमने टेंडर मंगवाए, टेंडर आए, टेंडर समिति का गठन हुआ और उसके बाद एक टेंडर पास हो गया और उस समिति के अध्यक्ष थे आप जी। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका टेंडर पास हुआ, वो भी आपके कोई रिश्तेदार जरूर लगते हैं। अरे हमारे शाली के भाभी का भाई है। देखा, रिश्ता निकल आया। अच्छा, दूर का रिश्ते में है। हाँ, और आपके नजदीक के रिश्तेदार कोई है? और हमारे नजदीक के अपने नगर पालिका में जो अध्यक्ष जी हैं, उनके दामाद जी हैं। बहुत होनहार लड़का है, एक दिन जरूर तरक्की करेगा। जरूर बहुत करेगा, तरक्की जरूर करेगा। आप ले, आप साथ में हैं तो फिर तरक्की तो बहुत करेगा। हाँ, और आप ही नहीं, और कितने लोगों की मदद मिलेगी, तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा जी। लेकिन सवाल ये है के उस आदमी का टेंडर क्यों पास हुआ, जबकि उसी आदमी ने 3 साल पहले जो सड़क निर्माण का काम शुरू किया था वो आज तक आधा भी पूरा नहीं हुआ? इसमें हम क्या कर सकता हूँ भाई, हमने टेंडर मंगवाए जी, टेंडर आए जी, उनमें से एक टेंडर पास हो गया। कितने टेंडर आए थे कुल? एक टेंडर आया था, सो पास हो गया।
एक अकेला टेंडर था इसलिए वो पास हो गया। देखा एकाएक होने का फायदा। पर कई ऐसे काम हैं जो लगता है एक अकेले के बस के नहीं, जैसे कि किसी पिछड़े ख्यालात वाले इलाके में साक्षरता के दीप जलाना। पर दिल्ली की अजमेरी गेट की इन तंग गलियों में, जहां ज्यादातर लोग चमड़े के जूते चप्पल बनाना, कशीदाकारी करना या दूसरे छोटे मोटे घरेलू उद्योग में व्यस्त रहते थे, वहां एक अकेली महिला बहुत कुछ कर पाई। इनसे मिलिए सीमा, लोगों के लिए सीमा बाजी, जो इसी इलाके में पली बढ़ी और निश्चय किया कि अपने कौम में सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगी और इलाके को रहने बसने के लिए बेहतर बनाएंगी। और ये काम हो सकता था जब गांव वाले साक्षर हो जाएं। जो हमारा ये इलाका है यहाँ पे बहुत ज्यादा निरक्षरता फैली हुई है। मोस्टली हर घर में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। कोई एक बच्चा ही पढ़ता है जो कि दूसरी तीसरी क्लास में वो पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसको माँ बाप काम में डाल देते हैं। सबको साक्षर बनाने का बीड़ा तो उठा लिया, घर घर जाकर सर्वे भी किया, लोगों को प्रेरित भी किया साक्षरता कक्षा में आने के लिए, परंतु काम आसान नहीं था। और घर के मर्द औरतों को घर की चौखट से बाहर जाने की इजाजत देना ही नहीं चाहते थे। पर सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। नसरीन का भाई नहीं चाहता था कि वो गोबर भैंस का काम छोड़कर पढ़ने जाए, और पढ़ने से क्या फायदा। इस बात को लेकर भाई बहन में झड़प चलती रहती थी, तब तक जब तक सीमा ने आकर उसके भाई को नहीं समझाया। और अब नसरीन में आए बदलाव को देखिए। पढ़ लिखने से मुझे कोर्स भी और आ गए हैं, ब्यूटीशियन का कोर्स भी करा है मैंने, टेलिंग कटिंग का भी कोर्स कर लिया है मैंने। जहां सिलाई का कोर्स करने के बाद इसमें कमाने की, अपने पैरों पर खड़ा रहने की क्षमता आई, वहीं साक्षरता ने दी इसे हिम्मत और आगे बढ़ने की ख्वाहिश। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर और तरक्की करना। वैसे स्वयं सेवकों का काम है मुश्किल। तबस्सुम भी जब पढ़ाने निकली तो देखा, सबसे पहले उनका यही सवाल होता था कि आप लोग फ्री में कर रही हैं और ये क्यों कर रही हैं, कुछ ना कुछ मिलता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये फ्री में कोई इतना बड़ा काम कर दे, पढ़ा दे किसी को। इस इलाके के वासी ऐसा क्यों करते थे ये समझ आता है जब इनके काम काज, रहने के अंदाज और सामाजिक मान्यताओं को समझा जाए। हमारी बिरादरी में जो है लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं लोग, कहते हैं कि क्या फायदा पढ़ने के लिए पढ़कर। पर इन दिक्कतों के बावजूद शाहजहां जैसे लोग पढ़ने आने लगे। पहले घर वाले पढ़ने भी नहीं देते थे और अब पढ़ने भी देते हैं। और सुनिए सायरा बानू की जुबानी कि क्या क्या फायदे हुए पढ़ने के। अच्छा, अपने घर का भी सफाई करती हैं, और बाजार जाते थे तो सौदे वाले कम पैसे का और पैसे ज्यादा लेते थे। जैसे कपड़ा लिया, बताया उन्होंने कम पैसे और ले लिया हमसे ज्यादा, तो फिर हमें हिसाब भी आ गया तो फिर हम हिसाब से देते थे उन्हें पैसे। इसके अलावा नुक्कड़ नाटकों का भी इस्तेमाल किया गया ताकि पर्दे के पीछे रहने वाली और अपनी चौखटों के पीछे रहने को आदि महिलाएं साक्षरता के संदेश को सुने और उनमें खुद पढ़ने की इच्छा जगे। रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम देखिए भाई साहब, हमने सारी शूटिंग कर ली है गांव की, खाली एक 10 मिनट का इंटरव्यू बाकी है मंत्री जी के साथ, वरना हमारा कैसेट नहीं जा पाएगा। प्लीज उनको बुलाइए प्लीज। देखिए मंत्री जी की तबीयत खराब है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते हैं। आप हमारा कार्ड उन्हें अंदर दे दीजिए। जाइए उनको बोलिए साहब आए, जाइए। अरे जाइए ना आप, आप जाते हैं कि हम अंदर जाएं? ठीक है मैं अंदर जाता हूँ। हाँ, जाइए जल्दी बुलाइए उनको। कर दिए इन लोगों ने, पहुंचेगा अपना 1 घंटा रह गया बस। कहाँ है ये मंत्री जी? 1 घंटा रह गया बस कैसे देने के अंदर, टाइम लगा रहे हैं। आप जाके जरा पूछे उन्हें, जाइए ना देखिए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनको बोलिए वरना हम किसी और मंत्री के पास चले जाएंगे। नमस्कार। अरे आइए ना भाई, बैठिए, आइए आइए साहब, आइए आप बैठिए। हाँ, आइए, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछिए, क्यों नहीं है। बैठे। हम तो भाई आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं। ऐसा है मंत्री जी जी कि हम लोग जनता जनार्दन कार्यक्रम से हैं। अच्छा, और हम लोग लाल कुआं गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है।
समस्या है भाई। देखिए हमारे प्रतिनिधि ने तो सब कुछ बताया है कि ठीक ठाक चल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहाँ गड़बड़ ही गड़बड़ है। जी गड़बड़ है, लेकिन भाई उन्हें देखिए आप समझते हैं, प्रतिनिधि को बताना चाहिए, एमएलए को बताना चाहिए ये सब समस्याएं। लालकुआं गांव के लोगों ने प्रतिनिधि को बताया है, उनको सब कुछ मालूम है। हाँ, तो लेकिन वो तो बहुत होशियार आदमी है, समझदार है, बहुत ही होशियार आदमी है वो तो। बहुत होशियार है। उन्होंने हमको वो फाइल भी दिखाई जिसमें वो पेपर के ऊपर तमाम पाइपें बिछी हुई है। बिछी हुई है ना, लेकिन पेपर के ऊपर, गांव में नहीं। भाई बहुत होशियार है, उनका पेपर वर्क बिल्कुल कम्प्लीट रहता है। बाद में कोई इंक्वायरी, कोई विजिलेंस, कोई केस वगैरह ना हो, आप तो समझते हैं इन बातों को। है बहुत समझते हैं, खूब समझते हैं। वो अपने बचाव में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल जनता का है। जनता पूछती है कि हमें साफ पीने का पानी कब तक मिलेगा, हमको कीचड़ से छुटकारा कब तक मिलेगा। एक तरफ कीचड़ है और एक तरफ पीने का पानी नहीं है, साफ पीने का पानी कब तक मिलेगा। देखिए पीने का पानी जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को, और जहाँ तक पीने के पानी की बात है तो मैं और मेरी पार्टी कटिबद्ध है कि लोगों को साफ सुथरा पीने का पानी मिले। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि ये पानी कब तक मिलेगा, हमें तारीख चाहिए। भाई आप उन लोगों से बोलिए कि अपना रिप्रेजेंटेशन हमारे पास भेजें, मैं उनकी समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करूंगा। ए सेक्रेटरी देखो भाई, ये लालकुआ गाँव से आए हैं, अगर इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव या इनका कोई पत्र आए तो फौरन मेरे सामने पेश करना, मैं फौरन इसमें कार्रवाई करूंगा। ठीक। अच्छा पत्रकार भाई साहब और बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मंत्री जी सुनिए सुनिए, लेकिन हमारे सवाल का जवाब लीजिए, बात को तो हवा में उड़ा दिया। वहां कौन सा सेक्रेटरी बैठा है? इंटरव्यू खत्म, कट। चंदा और चकोर की जोड़ी करती धूम धमाका, मजे मजे में पढ़ ले भाई और लगाए ठहाका। Yeah.